YT push. I got brides in Atlanta. गाइज़ आपने जैसा स्टेटस देखा प्रीव्यू में, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं खुद के फोटो से, पुराने फोटो से, नए फोटो से, हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस वाला स्टेटस, तो आप भी दोस्तों उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके के स्टेटस बनाना दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ही कठिन होगा इस तरीके का स्टेटस बनाना, बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस तरीके का स्टेटस इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे जैसा कि आपने शुरू में देखा एनएसयू पिक्चर्स, और दोस्तों यहां से आपको वो शर्मा था, कार्तिक शर्मा, उन्होंने भी इस तरीके का स्टेटस बनाया है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके के स्टेटस को बना सकते हैं और हो सकता है आपका भी स्टेटस वायरल हो जाए। इस तरीके का स्टेटस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको अपने पुराने से और नए वाले फोटो जो पड़ने वाली, कुछ ओल्ड फोटो जो चिल के हैं या फिर टीनेज के हैं, और उसके बाद दोस्तों जो अभी आपके फ़ोटो हैं जो आपने अभी क्लिक करे हैं उन्हें आपको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ओपन करना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन। बाकी दोस्तों जो म्यूजिक का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहां से आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए। उसके बाद गाइस यहां से आपको सेटिंग क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, और यहां से आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग कर लेनी है। यहां से आपको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है, और यहां से जो आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है वो 1 का कर लेना है। अब गाइस यहां से बैक आना है। अब गाइस यहां से आपको मैं बता दूं, यहां से आपको 7 फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहां से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूं, और यहां से मैं कुछ 7 फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, आपको भी कर लेना होंगे इसी तरीके से कुछ 7 फोटोज। ठीक है, तो गाइस यहां से मैंने 7 फोटोज को सिलेक्ट कर लिया, आपको भी इसी तरीके से 7 फोटो को कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां से मैं आपको बता दूं, सेटिंग पे क्लिक करना होगा, एडिटिंग पे क्लिक करना होगा, और यहां से आपको इस रेशियो को बढ़ा देना होगा। इस रेशियो को कर देना होगा 2.2। ठीक है दोस्तों, यहां से 2.2 मैंने कर दिया है, आपको भी कर देना है 2.2। उसके बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अभी जो आपने DSLR से फोटो क्लिक करवाए उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको अपने करंट के फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है, तो गाइज मैंने यहां से कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। आपको भी इस तरीके से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेने होंगे जिनसे आपका स्टेटस काफ़ी खास बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइज यहां से मैं कुछ और फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइज यहां से मैंने बहुत सारे फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, ये बिल्कुल ट्रेंड के फ़ोटो हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ से आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ से जो आपने पहले कम लेंथ के फ़ोटो फिर बाद में ज़्यादा लेंथ के फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पे आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा। अब गाइज यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करना होगा, यहाँ से आपको जितने भी फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं सारे फ़ोटो में। तो दोस्तों कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करना है आपको, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से गेट मोर पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, जूम स्विच। जिन लोगों के पास नया वाला काइनमास्टर का वर्जन है उन लोगों के पास होगा जूम स्विच। तो दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर का नया वर्जन नहीं है तो दोस्तों आप अपने काइनमास्टर को अपडेट कर लीजिए, या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काइनमास्टर का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जूम स्विच वाले दोस्तों इसे ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों आपको इसे यहाँ से ऐड करना है, तो गाइस यहाँ से मैं आ गया हूँ जूम स्विच पे। अब दोस्तों यहाँ से आपको तीसरा वाला ऐड कर लेना है, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अब गाइज यहाँ से आप जितने भी फोटो सिलेक्ट किए हैं बाद में दोस्तों सारे फोटो में आपको इस वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लेना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और सभी फोटोज़ के बीच में आपको यहाँ से तीसरे नंबर वाला ही जूम स्विच का ट्रांजिशन ऐड करना है। तो देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाता है। तो गाइज मैं यहाँ से फटाक से सारे फोटो के बीच में इस वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से मैंने अपने सारे फ़ोटो के बीच में जूम स्विच के तीसरे नंबर वाले ट्रांजिशन को यहाँ से ऐड कर लिया है सारे फ़ोटो के बीच। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आप जो इसमें ऑडियो लगाएंगे, जो दोस्तों इसमें म्यूजिक लगेगा, उस म्यूजिक से दोस्तों यहाँ से ये फ़ोटो ऐड होंगे,
यार नहीं होंगे। तो गाइज मैं आप लोग को लिए बता दूं, मैंने जैसे कि आपको बताया शुरू में 7 फोटो ऐड करना है और यहां से जो रेशियो सिलेक्ट करना है फोटो का वो दोस्तों आपको 1 सेकंड का रखना है। तब दोस्तों यहां से मैंने पूरे वीडियो को बना के देख लिया है, मुझे पता है जो मैं ऑडियो दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो मैच कर जाएगी इस तरीके से अगर आप स्टेटस बनाएंगे। तो दोस्तों यहां से अब आपको शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब गाइज यहां से आपको म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर देना होगा। तो गाइज यहां से मैं म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर लेता हूं, मेरे पास 2 म्यूजिक वाली वीडियो हैं, आप चाहें तो दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज यहां से मैं पहले एक म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर लेता हूं, ये वाली, इसकी म्यूजिक निकालना है क्योंकि इस वीडियो की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो # ऑडियो पर क्लिक करके म्यूजिक निकाल लेना है और इस वीडियो को हमें कर देना है डिलीट। तो दोस्तों यहां से हमारा स्टेटस काफ़ी अच्छा बनने तैयार हो चुका है। बाकी दोस्तों फोटो यहां से ज़्यादा है तो दोस्तों आपको इसे कट कर देना है, कोई भी जरूरत है नहीं। बाकी दोस्तों यहां से हमारा स्टेटस काफ़ी खास बनके तैयार हो गया है। चलिए गाइस एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूं इस वाली म्यूजिक के साथ, फिर अभी दूसरा म्यूजिक लगाऊंगा, फिर उसके बाद साथ दिखाऊंगा। तो गाइज स्टेटस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइज यहां से मैं इस वाले म्यूजिक को काटता हूं और दूसरा वाला म्यूजिक लगाता हूं। तो लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहां से दूसरा म्यूजिक को ऐड कर लेता हूं। तो दोस्तों इसका भी # ऐड करके म्यूजिक निकाल लेना है, इस वीडियो को हमें डिलीट कर देना है। तो अब हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, बाकी फोटो ज़्यादा है, फोटो को आपको कट कर देना है, कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर से एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। स्टेटस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और यहां से आपका फाइनली स्टेटस बनके तैयार हो जाएगा। दोनों म्यूजिक का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों यहां से आप बॉर्डर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बाकी वरना कोई जरूरत है नहीं।